नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसके लिए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आपको बता दें कि 16 फरवरी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10 व 12 की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के अनुसार बोर्ड की परीक्षाओं को नकलविहीन कराए जाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी कार्य पूर्ण कर लिए हैं। इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा एवं परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। परीक्षा केंद्र पर एक अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनकी देखरेख में समस्त परीक्षाएं नकलविहीन एवं निर्विघ्न सम्पन्न होंगी। विवेकानंद इंटर कॉलेज दरबाड़ा के प्रधानाचार्य टीकम सिंह ने बताया, प्रशासन के निर्देश के अनुसार नकलविहीन वातावरण बनाकर परीक्षा शुरू करने की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी तरह से नकल करने में सफल नहीं हो सकता। अगर कोई नकल करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षाएं दिनांक 16 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कक्ष में कैमरा, दो दो कैमरे मैदान में, सभी में कैमरा है और स्ट्रॉन्ग रूम अलग से बनाया गया है। शासन के निर्देशानुसार सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। क्या परीक्षा केंद्र पर कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि नकल को रोक लगाई जा सके? परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और दो पुलिस बल 24 घंटे तैनात रहेंगे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।